हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में प्रॉब्लम लेंगे हम डिजाइन ऑफ गसेटेड बेस के ऊपर। पिछले वीडियो में मैंने आपको डिजाइन प्रोसीजर समझा दिया था। यहाँ पर डिजाइन प्रोसीजर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि किस तरीके से आपको डिजाइन करना है, तो इसी के ऊपर एक प्रॉब्लम लेंगे। तो क्वेश्चन देख सकते हैं, एक कॉलम ISHB 350, तो जो सेक्शन है वो है हमारा ISHB 350 एट सेल्फ वेट दिया है 661.2 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये सेल्फ वेट है इसका। सब्जेक्ट टू ए कंप्रेसिव फैक्टर्ड लोड, क्वेश्चन में फैक्टर्ड लोड क्लियरली मेंशन है, तो ये हमारा डायरेक्टली पी हो जाएगा 1800 किलो न्यूटन में दिया है, और साथ में वैल्यू न्यूटन में भी कर लेंगे 1800 × 10³ न्यूटन। देखो उसके बाद क्या बोला है, डिजाइन सूटेबल बोल्टेड गसेटेड बेस। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पर आपको बोल्टेड गसेटेड बेस को डिजाइन करना है। जैसे कि हमने प्रॉब्लम वन देखा था स्लैब बेस में प्रॉब्लम वन देखा था, उसमें क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था कि वेल्डिंग करना है, आल्सो डिजाइन द वेल्डेड कनेक्शन। तो इसमें बोला गया है कि बोल्टेड कनेक्शन करना है। उसके बाद देखो क्या बोला है, द बेस रेस्ट ऑन M15 ग्रेड कॉन्क्रीट, तो कॉन्क्रीट का ग्रेड दिया है M15 कॉन्क्रीट पेडेस्टल। यूज 24 mm डायमीटर बोल्ट, तो बोल्ट का डायमीटर दिया है D=24 mm। बोल्ट्स ऑफ ग्रेड 4.6, तो 4 पॉइंट ग्रेड से हमको क्या पता चलता है, FUB = 400। MPa होता है इसका यूनिट, MPa मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर, फॉर मेकिंग द कनेक्शन बिटवीन गसेट प्लेट एंड कॉलम फ्लैंज। ठीक है, तो यहाँ से स्टील का ग्रेड हम लोग Fe410 मान लेंगे। स्टील का ग्रेड Fe410 होने से Fy कितना होता है, Fy होता है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और Fu होता है 410, क्योंकि Fe410 स्टील का ग्रेड मान रहे, तो Fu होता है 410, इसका भी यूनिट होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके गिवन पार्ट हो गए। अब हमको डिजाइन करना है गसेटेड बेस को एंड बोल्टेड कनेक्शन को भी डिजाइन करना है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको डिजाइन प्रोसीजर पिछले वीडियो में समझा दिया था। सबसे पहले अज्यूम सूटेबल ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, तो इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में हमको ग्रेड गिवन है, हमको M15 क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप देखो क्या है, नोट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ सेक्शन फ्रॉम द स्टील टेबल। क्या क्या नोट करना है, थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, थिकनेस ऑफ द वेब, एच मतलब होता है डेप्थ ऑफ द आई सेक्शन, ये वाला होता है डेप्थ। उसके बाद होता है बीएफ क्या होता है, विड्थ ऑफ द फ्लैंज। तो ये चारों वैल्यूज आपको नोट करनी है स्टील टेबल में से। चलिए स्टील टेबल ओपन कीजिए और 350 @ 661.2 को ढूंढिए। देखो पेज नंबर 14 पे आओ, टेबल नंबर 4 रोल्ड स्टील बीम्स में, यहाँ पर आपको ढूंढना है ISHB 350। तो यहाँ पर देखो दो होते हैं ISHB 350, एक है यहाँ पर भी एक है ISHB 350, लेकिन एट के बाद क्या लिखा था, एट के बाद जो लिखा था वो है यहाँ पर देखो 661.2, क्योंकि न्यूटन में देखना है। यहाँ पर देखो केजी में यहाँ पर होता है और यहाँ पर न्यूटन में होता है, तो हमको वैल्यू न्यूटन में दी गई है। देखो कितनी दी गई है, 661.2, तो वहाँ पर ढूंढो ISHB 350 661.2। तो ये है आपका पहला वाला सेक्शन। ठीक है, दो होते हैं यहाँ पर, उसमें से है आपका पहला वाला। आपको क्या क्या नोट करना है, आपको नोट करना है उसका H नोट करो, B नोट करो, TF नोट करो एंड TW नोट करो। H मतलब डेप्थ, B मतलब BF हमने वहां पर लिखा है मतलब विड्थ ऑफ द फ्लैंज, TF मतलब थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, TW मतलब थिकनेस ऑफ द वेज। चारों भी लाइन से ही है, चारों भी नोट कर लो। ISHB 350 पहले वाले का, यहाँ पर 350, 250, 11.6 और 8.3, ये सारी चीज नोट कर लो। तो देखो H गिवन है 350 mm में गिवन है, वहां पर भी BF गिवन है 250, वो भी mm में गिवन है। थिकनेस ऑफ द फ्लैंज गिवन है 11.6, वो भी mm में ही है। थिकनेस ऑफ द वेब गिवन है 8.3 और वो भी mm में ही गिवन है। यूनिट को ध्यान से देख लेना, वहां पर mm में ही गिवन है। अब देखो थर्ड स्टेप क्या है, यहाँ पर सेकंड स्टेप तक हो चुका है, थर्ड स्टेप क्या है, कैलकुलेट बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट। फॉर्मूला क्या होता है, 0.45 FCK, तो अप्लाई कर दो 0.45 FCK। तो 0.45 FCK क्या होता है, जो आपका ग्रेड होता है M15 ग्रेड है ना, मतलब 15 आपका FCK है, तो 0.45 मल्टीप्लाई बाय 15 करो। देखो इसका आंसर कितना आता है 6.75, और इसका यूनिट होता है MPa, MPa मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये होगी आपकी बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट। देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप तक हो चुका था, फोर्थ स्टेप क्या है, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द बेस प्लेट। ए कैसे निकलता है, फैक्टर्ड लोड P
अपॉन बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट। तो फॉर्मूला नोट कर लो, स्टेप है रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द बेस प्लेट, फैक्टर्ड लोड पी, देखो फैक्टर्ड लोड पी कितना गिवन है, तो यहाँ पर हम लोग न्यूटन वाला रखेंगे क्योंकि बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट का यूनिट क्या है, न्यूटन, तो यहाँ पर भी हमको न्यूटन वाला रखना है। 1800 × 10³ है हमारा फैक्टर्ड लोड, 1800 × 10³ अपॉन बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट कितना है 6.75। यहाँ से आपको एरिया मिल जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया आंसर आता है 266, कितने बार 6 है, 1, 2, 3, 4, 5 बार 6.6, तो 2, 1, 2, 3, 4, 5 बार 6 है 0.6, ठीक है, ये आंसर आता है और यूनिट होगा एमएम स्क्वायर, एरिया है ना। उसके बाद देखो इसको पॉइंट खिसका लेंगे थोड़ा, तो ए को थोड़ा पॉइंट खिसका के लिख दो, तो 1, 2, 3, 4 पॉइंट आगे खिसका लो तो वो हो जाएगा 26.66, तो एरिया हो जाएगा 26.66, 4 पॉइंट आगे खिसका दिया था तो 10⁴ कर दो और यूनिट हो जाएगा एमएम स्क्वायर। ये है आपका रिक्वायर्ड एरिया। चलो नेक्स्ट स्टेप देखो क्या है रिक्वायर्ड एरिया के बाद, नेक्स्ट स्टेप देखो रिक्वायर्ड एरिया हो गया, मेन पार्ट अभी आपका स्टार्ट होता है फिफ्थ स्टेप से, जहां पर हमें साइज ऑफ द गसेट प्लेट, साइज ऑफ द बेस प्लेट एंड साइज ऑफ द गसेट एंगल भी निकालना है। ध्यान से देखो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है यहाँ पर, थिकनेस ऑफ द गसेटेड प्लेट शुड नॉट बी लेस देन 16 mm। तो कोई स्टैंडर्ड वैल्यू हमको नहीं दी गई है, तो थिकनेस हमारे ऊपर होता है 16 mm से ऊपर हम लोग ले सकते हैं, 16 mm भी ले सकते हैं, लेकिन 16 से नीचे नहीं ले सकते। तो यहाँ से जो थिकनेस हम लोग लेंगे वो 16 mm ही ले लेंगे। देखो थिकनेस ऑफ द गसेट प्लेट हम लोग मान रहे हैं 16 mm, आप 16 से ऊपर भी मान सकते हो लेकिन 16 से नीचे नहीं जा सकते, तो हम लोग 16 ही ले रहे हैं। और नेक्स्ट स्टेप देखो क्या कहता है इसका, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट देखो क्या कहता है, द गसेट एंगल इज चूजन सो एज टू अकोमोडेट 2 rows of bolts इन वर्टिकल लेग एंड 1 row of bolt इन हॉरिजॉन्टल लेग, देयरफॉर एन अनइक्वल एंगल सेक्शन इज प्रोवाइडेड। देखो हमें कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं बताया कि किस तरीके से उसको कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स इन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है कि ऐसा सेलेक्ट करना है जो वर्टिकल लेग है उसमें 2 row बैठने चाहिए और जो हॉरिजॉन्टल लेग है उसमें 1 row बैठना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो ये स्टेटमेंट क्या कहता है। देखो वर्टिकल लेग का मैं अगर फ्रंट व्यू बनाऊं तो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, सामने सामने 2 bolt दिखेंगे, ये आपका मैंने एक सेक्शन बना दिया, ठीक है, सामने 2 bolt दिखेंगे और भी आगे होगा इस तरीके से, बस मैं एक सेक्शन आपको बता रहा हूँ, 2 bolt होंगे और फिर जो आपका हॉरिजॉन्टल लेग है ये खाली इतना सेक्शन में बना रहा हूं। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल लेग का अगर मैं टॉप व्यू बनाऊं तो सिर्फ 1 bolt दिखेगा ऊपर से बीच में। तो अभी मुझे क्या फाइंड करना है कि यहां से लेकर यहां तक कितना होना चाहिए, क्योंकि स्टील टेबल में तो बहुत सारे सेक्शंस गिवन है, कौन सा सेक्शन हम सेलेक्ट करेंगे कैसे पता चलेगा, कि बेंचमार्क कैसे फाइंड करेंगे कि किससे छोटा नहीं होना चाहिए, कितना बड़ा नहीं होना चाहिए, वो कैसे पता चलेगा। स्टेटमेंट देखो बहुत ध्यान से मेंशन किया है यहाँ पर कि 2 row बैठने चाहिए बोल्ट के, मतलब 2 bolt बैठने चाहिए इस तरीके से और 1 bolt बैठना चाहिए इस तरीके से, मैं एक सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक चीज तो क्लियरली पता चलता है कि इसका हाइट कैसे होगा, आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है, ये होता है एंड डिस्टेंस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है, ये होता है एंड डिस्टेंस, और ये बीच में कितना होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होता है पिच डिस्टेंस, है ना, इतना तो आपको पता होगा 2 bolt के बीच का डिस्टेंस माना जाता है पिच डिस्टेंस, और बोल्ट से लेकर प्लेट के एंड तक का माना जाता है एंड डिस्टेंस, तो इस बोल्ट से भी इस प्लेट के एंड तक का माना जाता है एंड डिस्टेंस। तो जाहिर सी बात है आप एंड डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लो और पिच डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लो, आपको पता चल जाएगा कि मिनिमम इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। ये कौन सा लेग है, जो हमारा वर्टिकल लेग है वो मैंने बनाया, ठीक है, और ये कौन सा लेग है, हॉरिजॉन्टल लेग। अब हॉरिजॉन्टल लेग का मिनिमम डायमेंशन क्या होना चाहिए, मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये कैसे पता चलेगा। अब आपको पता है बोल्ट के यहाँ से प्लेट के एंड तक होता है एंड डिस्टेंस, और फिर इस साइड भी बोल्ट के यहाँ से प्लेट के एंड तक होगा एंड डिस्टेंस। तो एंड डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होना चाहिए। आप एंड डिस्टेंस कैसे निकालते हैं और पिच डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एंड डिस्टेंस और पिच डिस्टेंस तो आपको कैलकुलेट करना आता ही होगा। एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1.5 × d0, ये होता है एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला, और पिच डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2.5 × d। फॉर्मूला याद है ना एंड डिस्टेंस का और पिच डिस्टेंस का, हम लोग बोल्टेड कनेक्शन में बहुत बार इसका जिक्र कर चुके हैं। पिच डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2.5 d,
और एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1.5 डी नॉट। अब देखो आपको डी और डी नॉट निकालना होगा, तो आपका प्रॉब्लम देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम में हमको डी गिवन है, प्रॉब्लम में हमको डायमीटर 24 गिवन है, तो यहां से आप डी नॉट निकाल सकते हो। डी नॉट कितना होगा, 24 डायमीटर के लिए डी नॉट कितना होता है, 16 से लेकर 24 का डी होगा, तो डी नॉट के लिए प्लस 2 करना पड़ेगा, तो 24 प्लस 2 26, तो डी नॉट इक्वल्स टू 26। अब डी है 24, डी नॉट है 26, तो फाइंड कर लो, 1.5 इंटू डी नॉट है आपका 26 और 2.5 इंटू डी है आपका 24, तो पिच डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस यहाँ से मिल जाएगा। 1.5 इंटू 26 करने से 39 आता है, लेकिन हम लोग राउंड ऑफ ले लेंगे, यहाँ से 40 मान लेंगे, ठीक है 40 mm ले लेते, और 2.5 इंटू 24 से 60 आता है, तो पहले से राउंड ऑफ में आ रही है वैल्यू, तो 60 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है 60 mm। अब आपको पिच डिस्टेंस भी पता है और एंड डिस्टेंस भी पता है, यहाँ पर भी एंड डिस्टेंस पता है, तो अगर आपको ये फाइंड करना है, अगर मैं इसका नाम ए दे दूँ और ये आपको फाइंड करना है, इसका नाम अगर मैं बी दे दूँ, तो ए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू एंड डिस्टेंस, 2 इंटू ई प्लस बीच में क्या है पिच डिस्टेंस, ये करेंगे तो आपको ए मिल जाएगा। बी कैसे मिलेगा, जाहिर सी बात है सिर्फ 2 इंटू एंड डिस्टेंस कर दो, आपको बी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया, आप मिनिमम लेंथ कैसे निकालेंगे वर्टिकल लेग का और मिनिमम लेंथ कैसे निकालेंगे हॉरिजॉन्टल लेग का, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, द गसेट एंगल इज चूजन सो एज टू अकोमोडेट 2 रो ऑफ बोल्ट्स इन वर्टिकल लेग एंड 1 रो ऑफ बोल्ट इन हॉरिजॉन्टल लेग। तो यहां से हम लोग मिनिमम ए कितना होना चाहिए और मिनिमम बी कितना होना चाहिए वो निकाल सकते हैं। तो चलिए इस ए और बी को और ये ई एंड पी मैं वहां पर ले लेता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, तो ये मैं सारा चीज वहां पर कॉपी कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया उसको सेम टू सेम जो वहां पर हमने लिखा था, हालांकि हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट कर रहे हैं इसलिए उसको यहाँ पर ले लिया। ए क्या था हमारा, ए है हमारा वर्टिकल लेग, बी है हमारा हॉरिजॉन्टल लेग, तो ए कैलकुलेट कर लो, 2 इंटू एंड डिस्टेंस प्लस पी, तो यहाँ से ए कैलकुलेट कर लेंगे, ए इक्वल्स टू 2 इंटू एंड डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस कितना है 40 प्लस पिच डिस्टेंस पी कितना है, पी है हमारा 60, तो यहाँ से सॉल्व कर लो, आपको ए पता चल जाएगा 2 इंटू एंड डिस्टेंस, तो बी इक्वल्स टू 2 इंटू एंड डिस्टेंस, एंड कितना है 40, तो 2 इंटू 40 यहाँ से तो ये 80 आ जाएगा, इसको सॉल्व करो कितना आता है, ये हो जाएगा 140, ठीक है 140 mm। ये क्या कहता है, मिनिमम ए एंड मिनिमम बी इतना होना चाहिए आपका, ये एंगल है, ये है आपका ए, मैंने जो ए आपको बताया ये है ए और ये है आपका बी, मिनिमम इतना होना चाहिए, इसके कम आप नहीं ले सकते लेकिन इससे ज्यादा ले सकते हो, तो अभी स्टील टेबल में इसके अराउंड आपको ए एंड बी को ढूंढना है। तो देखो यहाँ पर पेज नंबर 8 पर आओ, टेबल नंबर 2 रोल्ड स्टील अनइक्वल एंगल, तो हमको अनइक्वल एंगल में देखना होता है जो चीज यहाँ पर स्टेटमेंट में भी क्लियरली मेंशन किया था, यहाँ पर स्टेटमेंट में भी क्लियरली मेंशन किया था, देयरफॉर एन अनइक्वल एंगल सेक्शन इज प्रोवाइडेड, इसलिए अनइक्वल सेलेक्ट करना होता है, तो यहाँ पर अनइक्वल में देखेंगे हम लोग, जैसे कि मैंने नाम वहां पर दिया था, यहाँ पर देखो इसको ए कहते हैं और इसको बी कहते हैं, तो मैंने सॉल्व करने के समय भी वैसे ही सेम नाम दिया था, इसको ए नाम दिया था और इसको बी नाम दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला रहता है वो ए का होता है और दूसरा होता है जो बी का होता है, तो आपको ए कितना ढूंढना है, 140 ढूंढना है, तो 140 के ऊपर ही होना चाहिए लेकिन नीचे नहीं, तो 125 देख सकते हैं, 150 हमको मिल चुका है जो कि 140 से ऊपर है, लेकिन उसके सामने वाला कितना होना चाहिए, उसके सामने वाला बी लेग कितना होना चाहिए, बी लेग है मिनिमम 80, तो क्या हम लोग ये सेलेक्ट कर सकते हैं 150 और 75, नहीं सेलेक्ट कर सकते क्योंकि सामने वाला मिनिमम 80 होना चाहिए, तो नेक्स्ट देखो क्या है 150, तो 150 मतलब हम लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ए हमको 140 से ऊपर चाहिए था तो ए 150 मिल गया, बी हमको 80 से ऊपर चाहिए था तो बी कितना है 115, तो यहाँ से हम लोग ISA को सेलेक्ट करेंगे 150 into 115, ISA जो हमने सेलेक्ट किया ISA equals to 150 into 115, ये तो हो गया A and ये तो हो गया B। अब यहाँ से थिकनेस कैसे सेलेक्ट करेंगे, थिकनेस सेलेक्ट करने के लिए भी स्टेटमेंट वहां पर गिवन थी, देखो द थिकनेस ऑफ द गसेट एंगल शुड बी सेम एज थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट, तो ध्यान से देखो हमारे गसेट प्लेट की थिकनेस कितनी है 16 mm, देखो एग्जैक्ट सेम 16 mm की थिकनेस तो हमको नहीं मिलती लेकिन हमको नियरली सेम चाहिए, एक आध पॉइंट का फर्क हो सकता है, पर आप देखोगे तो 16 थिकनेस नहीं होगी,
16 आपको एग्जैक्ट वही थिकनेस नहीं मिलेगी, तो आप नियरली अराउंड सेम होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से 15 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। 150 × 115, ये तो हो गया ए और ये हो गया बी, और ये 15 क्या है, ये हो गया इसकी थिकनेस। तो 15 mm हम लोग थिक मान रहे हैं, तो यहाँ से जो हमने थिकनेस सेलेक्ट की वो है 15 mm। तो ये है आपका सेक्शन ISA 150 × 115 × 15। इस तरीके से आप एंगल को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है लेंथ ऑफ द बेस प्लेट कैलकुलेट करना है। तो अभी हमारा बोल्टेड कनेक्शन है ना, तो बोल्टेड कनेक्शन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। तो ये फॉर्मूला नोट कर लो, L इक्वल्स टू डेप्थ ऑफ सेक्शन 2 × थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट प्लस लेग लेंथ ऑफ एंगल प्लस ओवरहैंग। ये फॉर्मूला मैंने आपको डिफाइन कर दिया था पिछले वीडियो में, इसको नोट कर लो। देखो लेंथ ऑफ द बेस प्लेट आपको निकालना है, तो डेप्थ ऑफ द सेक्शन, तो L इक्वल्स टू डेप्थ ऑफ द सेक्शन। डेप्थ ऑफ द सेक्शन कितना है, डेप्थ ऑफ द सेक्शन ये जो H होता है वो होता है डेप्थ ऑफ द सेक्शन, कितना है 350। तो यहाँ पर आपका डेप्थ ऑफ द सेक्शन इज 350। देखो आपको क्या निकालना होता है, ये आपका आई सेक्शन है, ये आपकी बेस प्लेट है, नीचे बेस प्लेट है, आपको इस बेस प्लेट की लेंथ निकालनी है। तो इस बेस प्लेट की लेंथ निकालने के लिए यहाँ पर तो आई सेक्शन है, उसके बाद गसेट प्लेट भी होती है, उसके बाद आपका एंगल सेक्शन भी लगेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका एंगल सेक्शन भी लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, डेप्थ ऑफ द आई सेक्शन, थिकनेस ऑफ द गसेट प्लेट, लेकिन 2 × थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट, एक यहाँ पर भी है तो एक यहाँ पर भी है। तो 2 तो पूरा बाहर ले लिया हमने, ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है, थिकनेस ऑफ द गसेट प्लेट, तो थिकनेस ऑफ द गसेट प्लेट हमने कितना माना है 16 mm, तो यहाँ पर आप रख देंगे 16 mm। उसके बाद देखो प्लस लेग लेंथ ऑफ एंगल, कौन सा लेग लेंथ, ये वाला लेग लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेग लेंथ। अब ये लेग लेंथ कौन सा है, ए है कि बी है, ये है बी जो कि हॉरिजॉन्टल है। स्टैंडर्ड में जब लिखते हो तब पहला जो होता है वो ए होता है और दूसरा जो होता है बी होता है। ए देख सकते हो क्या है, ये जो वर्टिकल है उसको ए कहते हैं और हॉरिजॉन्टल को बी कहते हैं। आपको बी का चाहिए तो बी का है 115। ये बी क्या है, ये वाला नीचे वाला, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है बी लेग लेंथ विच इज कनेक्टेड विद द बेस प्लेट जो कि है 115, तो प्लस 115। उसके बाद देखो प्लस ओवरहैंग भी दिया है, तो ओवरहैंग हम कैसे निकालेंगे। ओवरहैंग क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक एक्स्ट्रा बाकी है, एक्स्ट्रा लेंथ यहाँ पर दी जाती है, वो क्या है, ओवरहैंग जिसको कहा जाता है। तो वो कैसे निकालते हैं, उसका कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं दी जाती है, आप इसको सॉल्व करो, फिर उसको राउंड ऑफ करने के समय जो एक्स्ट्रा आप राउंड ऑफ करते हो उसको ओवरहैंग मान लेना। तो पहले इतनी वैल्यू को सॉल्व करो, कितना आता है देखो, L इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो तो आंसर आता है 612, आंसर आता है 612। तो ध्यान से देखना, इसमें अभी तक हमने ओवरहैंग को प्लस नहीं किया है। तो ओवरहैंग आप कैसे सेलेक्ट करते हो, मैंने आपको बता दिया था, जो भी आंसर आएगा आपका उसको आपको राउंड ऑफ करना है, और इसको इस तरीके से राउंड ऑफ करो कि आप दोनों साइड बराबर इक्वल इक्वल दे पाओ। तो यहाँ पर देखो हमारा आंसर आया है 612, तो यहाँ से हम लोग इसको राउंड ऑफ करके L मान लेंगे 620, हम लोग L को मान लेंगे 620। इसका मतलब हमने कितना इंक्रीमेंट किया, यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट किया 8 mm, 612 था ना, तो 12 से हमने 20 तक 8 mm का इंक्रीमेंट किया, 8 mm इंक्रीमेंट किया, मतलब हमारा ओवरहैंग कितना हो गया, एक ओवरहैंग कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर बाहर मल्टीप्लाई में 2 भी है, तो एक ओवरहैंग हो गया 4 mm, ठीक है। तो ये है आपका ओवरहैंग 4 mm, और ये भी है आपका ओवरहैंग 4 mm। अब जाके देखो, अब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर 620 ही आएगा, क्योंकि 115 के बाद इस ब्रैकेट को आप हटा दो, इस ब्रैकेट को आप हटा दो, और इसके बाद यहाँ पर प्लस 4 भी कर दो। अब आप इसको सॉल्व करो, अब आपको आंसर 620 ही आएगा। इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि ओवरहैंग आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं दी आपके पास ओवरहैंग की, लेकिन ओवरहैंग जो मिनिमम होता है वो 2-3 mm आप रख सकते हो। तो ओवरहैंग आप इस तरीके से रखना, जो आपको सॉल्व करके आंसर आएगा यहाँ तक लेग लेंथ तक जो आंसर आएगा उसको सॉल्व करो, फिर उसको राउंड ऑफ करने के समय इस तरीके से राउंड ऑफ करो, दोनों साइड आप 3-3 mm या फिर दोनों साइड 4-4 mm दे सको, ठीक है। तो L यहाँ से आपको मिलता है 620, दिस इज लेंथ ऑफ द बेस प्लेट। विड्थ कैसे निकलता है, विड्थ का हम लोग सीधा सीधा एरिया के फॉर्मूले से निकालेंगे, एरिया इक्वल्स टू L इंटू बी होता है। तो ये फॉर्मूला नोट कर लो, आपके पास एरिया भी है, आप यहाँ पर फोर्थ स्टेप में एरिया कैलकुलेट कर चुके हो, L भी अभी आप कैलकुलेट कर चुके हो, एरिया पता है, L पता है, वहां से बी मिल जाएगा। तो विड्थ ऑफ द बेस प्लेट निकाल लेंगे, तो इस फॉर्मूले में खाली आपको पुट करना है एरिया
देखो एरिया हम लोग ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, एरिया रिक्वायर्ड। देखो ये ए एंड बी, ये नाम इसके नाम है ठीक है, गलती से ए की जगह पर वो मत पुट कर देना। ये ए कौन सा है, एरिया का ए है। ये ए एंड बी ये तो डायमेंशन है इसके, मैंने खाली नाम दिया था ए एंड बी। ए कितना है 26.66 × 10^4, तो एरिया की जगह पर रख दो 26.66 × 10^4 इक्वल्स टू एल। एल कितना है, एल है हमारा 620 मल्टीप्लाई बाय बी, यहाँ से बी को कैलकुलेट करो 26.66 × 10^4 इक्वल्स टू 620 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और यहाँ पे इसको सॉल्व फॉर एक्स कर दो, शिफ्ट कैलसी इक्वल्स टू जो एक्स का आंसर है वो आपका विड्थ का आंसर है, विड्थ आया 430 ठीक है, विड्थ इक्वल्स टू 430। राउंड ऑफ में रखना हमेशा, अगर ये आंसर आपको अगर पॉइंट में आता तो इसको आप राउंड ऑफ में कर लेते। तो ये विड्थ आ गया, यहाँ पर हमने एमएम नहीं लिखा ठीक है, यहाँ पर लेंथ भी एमएम में होना चाहिए, यूनिट पे ध्यान देना, और ये विड्थ भी हमारा एमएम में होगा। आपको लेंथ पता चल गई, विड्थ पता चल गई बेस प्लेट की। आप सिक्स स्टेप है, कैलकुलेट एरिया टू बी प्रोवाइडेड, ए डैश निकालना है एल इंटू बी, जो नया एल अभी हमको मिला और जो नया बी मिला वहां से ए डैश निकालना है, ए डैश इक्वल्स टू एल इंटू बी। तो यहाँ पर ए डैश के लिए आपने अभी एल कैलकुलेट किया, एल है आपका 620, तो एल की जगह पर रख दो 620 इंटू विड्थ अभी निकला 430, 430 यहाँ से ए डैश आपको मिल जाएगा, ए डैश आता है 2666 00, 2666 00 ठीक है, और यूनिट विल बी एमएम स्क्वायर। ये है आपका ए डैश, दिस इज एरिया दैट यू हैव टू बी प्रोवाइड। अब देखो ए डैश मिल गया, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या है ना, आपको सेवन स्टेप की तरफ द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर डब्ल्यू कैलकुलेट करना है फॉर कॉन्क्रीट पेडेस्टियल। डब्ल्यू इक्वल्स टू होता है पी अपॉन ए डैश एंड दिस शुड बी लेस देन 0.45 FCK, तो फॉर्मूला नोट कर लो। तो चलिए इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर डब्ल्यू, डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या है, पी अपॉन ए डैश वेयर पी इज द फैक्टर्ड लोड। तो फैक्टर्ड लोड कितना है, देखो क्वेश्चन में गिवन है फैक्टर्ड लोड 1800 × 10^3 न्यूटन वाला लेंगे, तो पुट कर दो वहां पर 1800 × 10^3 अपॉन ए डैश। ए डैश देखो अभी हम लोग कैलकुलेट कर चुके 2666 00, 2666 00, तो इसको कैलकुलेट करो डब्ल्यू कितना आता है। देखो तो यहाँ पर हमारा डब्ल्यू आता है 6.75, डब्ल्यू इज 6.75 और डब्ल्यू का यूनिट होता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एंड दिस शुड बी लेस देन 0.45 FCK। बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट कितना है, देखो बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज 6.75, तो दिस इज लेस देन होना चाहिए था 6.75, लेकिन हमारा इक्वल टू आ गया। तो मैक्सिमम के केस में आप इक्वल टू रख सकते हो, डब्ल्यू इक्वल्स टू बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट रख सकते हो, लेकिन आपका जो डब्ल्यू का आंसर है वो लेस देन आना चाहिए बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। तो अभी हमारा आंसर तो लेस देन नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो आपको लेंथ और विड्थ में से कोई भी एक वैल्यू को इंक्रीज कर दो। यहाँ पर हम लोग जो 430 लिया था इसको इंक्रीज करके 440 ले लेंगे, विड्थ हमारा जो 430 था उसको इंक्रीज करके 440 कर दिया। आप जो कैलकुलेट करो वो आपको नया वाला ए डैश मिल जाएगा, तो ये ए डैश को मिटा दो और नया वाला ए डैश कैलकुलेट करो कितना आता है। आता है 2728 00, 2728 00। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ए डैश आपने पुट किया था नीचे उसको भी चेंज करो, यहाँ पर ए डैश पुट करा था वो चेंज करो, उससे ये आंसर भी चेंज हो जाएगा। देखो कितना आता है, यहाँ पर पुट करो अभी 2728 00, अभी कैलकुलेट करो W कितना आता है, देखो आता है 6.59, W इक्वल्स टू 6.59। अब आ गए ना आप लेस देन 6.75, इस तरीके से आपको ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। W इक्वल्स टू 0.45 FCK आया था, लेकिन इक्वल टू भी मत रखना, बस आपको ऊपर जाके एक ही तो स्टेप चेंज करना है, खाली L या B में से दोनों में से कोई एक वैल्यू को बढ़ा दो थोड़ा सा। यहाँ पे 430 था उसको हमने 440 कर दिया, उससे हमारा ए डैश चेंज हो गया, तो ए डैश चेंज हुआ तो यहाँ पर हमने ए डैश को पुट किया, उससे हमारा डब्ल्यू चेंज हो गया, तो उससे आपका डब्ल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि आपको 675 से ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि डब्ल्यू क्या है आपका इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कांट बी ग्रेटर देन बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करना ही होगा। एट स्टेप में कैलकुलेट करना होता है द थिकनेस ऑफ बेस प्लेट, तो थिकनेस ऑफ बेस प्लेट इसका फॉर्मूला ये है स्मॉल टी का और कैपिटल टी का। तो ये फॉर्मूला कैसे आया वो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन करके बता दिया था,
डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको आईएएस कोड में गिवन नहीं है, ये फॉर्मूला आपको इक्वेट करके लाना होता है बाय इक्वेटिंग द मोमेंट, मतलब बेंडिंग मोमेंट एट क्रिटिकल सेक्शन निकालना है और डिजाइन बेंडिंग मोमेंट एट क्रिटिकल सेक्शन, जिसको कहा जाता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गसेट, उन दोनों फॉर्मूले को इक्वेट करके आपको स्मॉल टी का फॉर्मूला लाना होता है। तो चलिए अभी स्मॉल टी के फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हमको स्मॉल टी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्मॉल टी कैसे निकलेगा, C1 अंडर रूट 2.75। तो सबसे पहले हमको C1 निकालना पड़ेगा। C1 क्या होता है, द पोर्शन ऑफ द बेस प्लेट एक्टिंग एज ए कैंटिलीवर। तो C1 मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, देखो पिछले वीडियो में मैंने आपको C1 समझाया था। C1 होता है आपका क्रिटिकल सेक्शन, वो कैसे निकाला जाता है, आपको ये लेग लेंथ पता है, इस लेग लेंथ का कितना डायमेंशन है वो आपको पता है, जिसका नाम है बी, ठीक है। और आपको यहाँ पर थिकनेस पता है इसकी, ये टी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है वो भी आपको पता है, वो है ओवरहैंग, मैं OH लिख रहा हूँ, मतलब समझ ले ओवरहैंग। अब आपको निकालना है C1 क्रिटिकल सेक्शन, वो कैसे निकलता है, C1 निकालने के लिए आपको सिंपली B है टोटल लेग लेंथ यहाँ से यहाँ तक, उसमें से थिकनेस को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो क्रिटिकल सेक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो बी माइनस थिकनेस प्लस ओवरहैंग, ठीक है, ये फॉर्मूला है। आपको C1 निकालना है, क्रिटिकल सेक्शन कितना है वो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, B माइनस टी प्लस ओ एच। तो B कितना है, देखो B मतलब विड्थ नहीं, ये वाला B नहीं, ये वाला विड्थ B विड्थ है, मुझे लेग लेंथ चाहिए, यहाँ पर मैंने लेग लेंथ का भी नाम B ही दिया था, तो उसके बीच में कन्फ्यूज मत होना, लेग लेंथ का B चाहिए मुझे, ये जो B है वो B है विड्थ। तो यहाँ पर हमारा विड्थ 430 नहीं है, तो यहाँ पर 430 को हम लोग मिटा देंगे, यहाँ पर हम लोग 440 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने जो विड्थ है उसको चेंज किया था, तो विड्थ की जगह पर हम लोग यहाँ पर 440 लिखेंगे। तो अभी बी कौन सा चाहिए हमको, लेग लेंथ वाला बी चाहिए, तो ये लेग लेंथ बी कितना है, ये होता है ए और ये होता है बी, तो बी कितना है 115, तो वहां पर रख दो 115 माइनस थिकनेस, थिकनेस किसका, एंगल सेक्शन का थिकनेस, उसमें से माइनस करना है। तो देखो एंगल सेक्शन का थिकनेस कितना है, ये होता है ए, ये होता है बी, और जो लास्ट का टर्म है वो है थिकनेस, तो थिकनेस कितना है 15, तो 115 में से 15 को माइनस कर देंगे, प्लस ओवरहैंग, ओवरहैंग कितना है, यहाँ पर देखो मैंने आपको कहा था 4 मीटर हमारा ओवरहैंग है, यहाँ पर ओवरहैंग की जगह पर हमने 4 मीटर आपको बताया था कैसे आया 4 मीटर, तो ओवरहैंग की जगह पर हम लोग 4 मीटर रखेंगे। तो यहाँ से आपको C1 मिल जाएगा, तो कैलकुलेट करो C1 कितना आता है, C1 इक्वल्स टू 104 mm, दिस इज क्रिटिकल सेक्शन। आपको C1 पता है, W पता है, W हम लोग ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, W इक्वल्स टू 6.59। FY पता है, FY क्या होता है, जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको लिखवाया था फॉर स्टील ग्रेड Fe410, FY होता है 250, ठीक है, वहां से आपको मिल जाएगा। आपको थिकनेस कैलकुलेट करनी है, तो चलो C1 रख दो, C1 है 104 अंडर रूट 2.75 मल्टीप्लाई बाय W, अभी हमको आया था 6.59, रख दो वापस 6.59, पूरा अंडर रूट के अंदर ही है, अपॉन FY होता है 250, यहाँ से स्मॉल t आपको मिल जाएगा, देखो आंसर आता है 28, देखो स्मॉल t का आंसर आता है 28, तो यहाँ पर आप रख देंगे 28 mm, ठीक है। हमको कैलकुलेट करना है कैपिटल T, कैपिटल T क्या है, थिकनेस ऑफ द बेस प्लेट, तो कैपिटल टी निकालना है आपको थिकनेस ऑफ द बेस प्लेट, उसके लिए क्या करना होगा, स्मॉल टी में से थिकनेस ऑफ द एंगल माइनस करना पड़ेगा। स्मॉल टी क्या है, 28 माइनस थिकनेस ऑफ द एंगल, थिकनेस ऑफ द एंगल इज 15, याद है ना, यहाँ पर हमने थिकनेस ऑफ द एंगल पुट किया था 15, तो थिकनेस ऑफ द एंगल इज 15, तो 28 माइनस 15 करो आपको थिकनेस मिल जाएगी, आता है 13, तो आंसर आता है 13। कैपिटल टी क्या है, थिकनेस ऑफ द बेस प्लेट, तो थिकनेस ऑफ द बेस प्लेट को थिकनेस ऑफ द गसेट प्लेट से कम मत रखना, थिकनेस ऑफ द गसेट प्लेट कितना आया था, 16 mm आया था, ठीक है, थिकनेस ऑफ द गसेट प्लेट आया था 16 mm, ये तो हमने अज्यूम किया था 16 mm, तो थिकनेस ऑफ द बेस प्लेट को 13 मत रखना, इसको भी 16 कर लेना, 16 mm। कैपिटल टी क्या होता है, कैपिटल टी इज द थिकनेस ऑफ बेस प्लेट, देखो थिकनेस ऑफ बेस प्लेट कितना है 16 mm, थिकनेस ऑफ द गसेट प्लेट से कम नहीं होनी चाहिए, थिकनेस ऑफ द गसेट प्लेट आपने 16 अज्यूम किया था, तो या तो इक्वल टू रखो या तो ग्रेटर देन कर दो, तो टी को हम लोग 16 भी रख सकते हैं या तो 18 कर दो, आपके पास चॉइस है, तो हम लोग 16 ही रखते हैं।
तो यहां से अभी एक स्टेटमेंट लिख दो, L है आपका 620, B है 440, तो लिख दो L है 620, B है 440 इंटू थिकनेस है 16, और ये सारी यूनिट से mm, ये है आपके डायमेंशन किसका, बेस प्लेट का, बेस प्लेट आपका डिजाइनिंग ऑफ बेस प्लेट हो गया। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था डिजाइनिंग के समय आपको दो चीज डिजाइन करना होता है, एक आपको बेस प्लेट डिजाइन करना है, मतलब ये जो बेस प्लेट है इसकी लेंथ विड्थ एंड थिकनेस फाइंड करनी है, और गसेट प्लेट भी अभी हमको डिजाइन करना है, गसेट प्लेट की लेंथ विड्थ एंड थिकनेस भी फाइंड करनी है। तो हाइट ऑफ द गसेट प्लेट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, कनेक्टेड लेग लेंथ प्लस 2 इंटू एंड डिस्टेंस प्लस पिच डिस्टेंस, वो करेंगे तो हाइट मिलेगा, और विड्थ तो सेम होता है, जो बेस प्लेट का विड्थ होता है वही गसेट प्लेट का विड्थ होता है, ये विड्थ और ये बी जो है बेस प्लेट का बी और विड्थ सेम होता है, बस आपको हाइट कैलकुलेट करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो ये दोनों नोट कर लो। तो हाइट ऑफ द गसेट प्लेट एच कैसे निकालते हैं, कनेक्टेड लेग लेंथ, कनेक्टेड लेग कौन सा कनेक्टेड लेग, देखो ये जो ए मैंने आपको बताया था ये ए कौन सा है जो कनेक्टेड है आपके गसेट प्लेट के साथ, वो कनेक्टेड लेग लेंथ कितना है, ए है आपका 150, तो यहां से देखना है, ठीक है, ए है आपका 150, ये जो गसेट एंगल आपने सेलेक्ट किया उसका ए देखना है, ना कि ये फॉर्मूले में से, ये तो मिनिमम मैंने आपको बताया था कि इतना होना चाहिए, यहां से नहीं देखना है, जो हमने सेलेक्ट किया वहां से देखना है, ए हमने सेलेक्ट किया 150, तो ए आप रखोगे वहां पर 150, तो यहां पर जो आपका कनेक्टेड लेग लेंथ है वो है 150 प्लस 2 इंटू एंड डिस्टेंस, तो एंड डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एंड डिस्टेंस है 40 एंड पिच डिस्टेंस है 60 इंटू एंड डिस्टेंस है, तो 2 इंटू 40 प्लस पिच डिस्टेंस कितना है, पिच डिस्टेंस है 60, वहां से आपको हाइट ऑफ द गसेट प्लेट मिल जाएगी 90, हाइट इक्वल्स टू 290 mm, अब इसको राउंड ऑफ करके आप 300 भी कर सकते हो, यहां से लेकर इस प्लेट की हाइट कितनी है वो है, ठीक है। अब विड्थ, विड्थ तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया था कि विड्थ ऑफ द गसेट प्लेट बी, गसेट प्लेट का कैसे मिलेगा, विड्थ ऑफ द बेस प्लेट सेम होता है, तो विड्थ ऑफ द बेस प्लेट कितना है, यहाँ पर हमने बी कैलकुलेट किया था विड्थ ऑफ द बेस प्लेट जो कि है 440, ये था हमने रिवाइज करने के बाद 440 हो गया था, कैलकुलेट किया तो 430 आया था, लेकिन यहाँ पर W के कारण हमको रिवाइज करना पड़ा था, बी 430 की जगह पर हमने काट के इसको 440 कर दिया था, तो अभी का बी कितना है 440, वो आप वहां पर लिखोगे 440। अब ये है आपके डायमेंशन ऑफ द गसेट प्लेट, हमको हाइट विड्थ और थिकनेस चाहिए होती है, तो हाइट कितना आया, हाइट है हमारा 290 मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितना है 440 मल्टीप्लाई बाय थिकनेस कितना है गसेट प्लेट का, गसेट प्लेट का थिकनेस हम लोग यहाँ पर ही अज्यूम कर चुके हैं, ठीक है, तो वो आप वहां पर रखोगे, थिकनेस ऑफ द गसेट प्लेट इज 16 mm। तो मैंने आपको क्या कहा था कि थिकनेस ऑफ द बेस प्लेट आप इक्वल टू रख सकते हो थिकनेस ऑफ द गसेट प्लेट के, क्योंकि गसेट प्लेट का थिकनेस हमने सबसे पहले ही ऊपर अज्यूम किया था, लेकिन थिकनेस ऑफ द बेस प्लेट हमको इस टी के फॉर्मूले से आता है, टी के फॉर्मूले से तो 13 आ रहा था, राउंड ऑफ करके 14 कर सकते थे, लेकिन 14 अगर करते या पर अगर आप 14 कर देते तो वो 16 से छोटा हो जाता, तो यहाँ पर या तो इक्वल टू रखना है या तो बेस प्लेट का ज्यादा होना चाहिए, गसेट प्लेट से ज्यादा रख सकते हो बेस प्लेट का, लेकिन गसेट प्लेट से कम नहीं रख सकते आप बेस प्लेट का थिकनेस, ठीक है। तो ये है आपके डायमेंशन, इक्वल टू आप रख सकते हो, ठीक है। देखो अभी तक हमने क्या क्या डिजाइन कर दिया, हमने इस प्लेट को डिजाइन कर दिया कि इस प्लेट की हाइट कितनी होनी चाहिए, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, वो डिजाइनिंग हो गया। सेकंड क्या हो गया, ये जो बेस प्लेट है इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, वो भी सॉल्व करके हो गया। अब क्या बाकी है, अभी बोल्टेड कनेक्शन करके इसको कनेक्ट भी तो करना है, हमारा गसेट एंगल का भी डिजाइनिंग हो गया है, बस हमको एंगल सेक्शन सेलेक्ट करना था कि उसका लेग लेंथ कितना होना चाहिए जो कनेक्टेड है वर्टिकली और जो कनेक्टेड है हॉरिजॉन्टली, तो वो हमारा निकाल के हो गया। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है कि इसको कनेक्ट करने के लिए बोल्ट कितने रिक्वायर्ड है, यहाँ पर कितने बोल्ट चाहिए होंगे, देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 बोल्ट दिए गए, तो हमारे किस्म कितने बोल्ट होंगे वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्लियरली मेंशन किया है आल्सो डिजाइन बोल्टेड कनेक्शन, डिजाइन सूटेबल बोल्टेड गसेटेड बेस है ना, मतलब बोल्टेड कनेक्शन भी डिजाइन करना है। तो चलिए अभी लास्ट पार्ट चलते हैं क्वेश्चन का, जो कि डिजाइन ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। तो डिजाइन ऑफ बोल्टेड कनेक्शन, उसके लिए आपको बोल्टेड कनेक्शन का पार्ट आना चाहिए। बोल्टेड कनेक्शन में क्या करते हैं,
देखो बोल्टेड कनेक्शन में आपको सबसे पहले बोल्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बोल्ट वैल्यू कैसे निकाली जाती है? बोल्ट वैल्यू निकालने के लिए बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट निकालना पड़ेगा और शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट निकालना पड़ेगा। इन दोनों में से जो मिनिमम होता है वो होती है बोल्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट ऑफ द VDSB एंड VDPB। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला VDSB। तो FUB कितना है जो हम लोग गिवन पार्ट ऊपर लिख चुके हैं। देखो FUB यहाँ पर हम लिख चुके हैं, FUB है 400, तो पुट कर दो वहां पर। ये तो पूरा बोल्टेड कनेक्शन का पार्ट है जो मैं आपको बोल्टेड कनेक्शन में ऑलरेडी बता चुका हूँ और बहुत सारे प्रॉब्लम भी हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको रखना है 400 अपॉन अंडर रूट 3, गामा एम बी होता है 1.25 मल्टीप्लाई बाय 0.78 पाई बाय 4। डी कितना है आपका? डायमीटर है 24, याद है ना? डायमीटर आपका 24 है, तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर, आपको डी याद है ना? क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है, क्वेश्चन में डायमीटर 24 गिवन है, यूज 24 mm डायमीटर बोल्ट, तो आपका डी है 24। तो इस फॉर्मूले में आपने 24 रख दिया। अब इसको सॉल्व करो, आपको VDS भी मिल जाएगा 65192। ये होगा न्यूटन में। तो हमको फाइनल आंसर जो होता है किलो न्यूटन में चाहिए होता है। एक दो तीन पॉइंट खिसका दो तो 65.19 किलो न्यूटन, ये हो जाएगा आपका VDSB। अब आपको VDPB भी निकालना है। VDPB का फॉर्मूला होता है 2.5 KBDTFU अपॉन गामा MB। आपका VDPB का फॉर्मूला, यहाँ पर KB का भी अपना इंडिविजुअल फॉर्मूला होता है, लेकिन आप KB कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करोगे, KB को डायरेक्ट आप 1 रख सकते हो। पेज नंबर 75 पे आओ, IS-800-2007। यहाँ पर KB का फॉर्मूला दिया गया है कि KB इतना इससे छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 भी गिवन है, तो KB को हम लोग सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली आप KB की जगह पर 1 रख सकते हो। जब आप बड़े बड़े प्रॉब्लम करते हो इसमें टाइम वेस्ट मत करना, KB को कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्टली आप 1 रख देना KB की जगह पर। प्रॉब्लम रखेंगे 2.5 इंटू KB की जगह पर 1 रखो इंटू डी, ये डी क्या है? डायमीटर ऑफ द बोल्ट, डायमीटर ऑफ द बोल्ट है अपना 24। ये है टी, ये क्या है? थिकनेस। ये थिकनेस कौन सा है? मिनिमम थिकनेस। आपका जो भी स्ट्रक्चर है यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा जो भी स्ट्रक्चर है उसमें मिनिमम थिकनेस किसके पास है? यहाँ पर एक थिकनेस है 16, दूसरी थिकनेस है 16, थिकनेस ऑफ द गसेट प्लेट एंड थिकनेस ऑफ द बेस प्लेट, तो इनमें तो दोनों 16-16 है। उसके बाद यहाँ पर देखो गसेट एंगल का थिकनेस कितना है? 15। तो अभी तक हमको पता चल गया कि 15 हमारा सबसे छोटा है, क्योंकि इससे बड़ा तो 16 है, तो हमको छोटा देखना है, मिनिमम थिकनेस तो 15। तो अभी देखना पड़ेगा 15 से नीचे कोई है क्या, तो 15 से नीचे किसी का थिकनेस है क्या आपको देखना पड़ेगा। तो आपका जो आई सेक्शन है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, आई सेक्शन का थिकनेस ऑफ द फ्लैंज और थिकनेस ऑफ द वेब। वेब से तो हमको कोई मतलब नहीं होता। अब वेब से हमको क्यों मतलब नहीं होता? क्योंकि जब हम लोग बोल्टेड कनेक्शन करते हैं तब वहां पर वेब से हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। जो हमारा बोल्टेड कनेक्शन होता है वो फ्लैंज को लगने वाला है ना? बोल्ट आपके फ्लैंज को लगने वाले हैं, तो वहां पर वेब का कोई मतलब नहीं है। तो आपको थिकनेस ऑफ द फ्लैंज के साथ भी कंपेयर करना पड़ेगा। तो थिकनेस ऑफ द फ्लैंज कितना है? 11.6, ठीक है ना? 11.6, इसका मतलब 15 से छोटा है। अभी तक हमें सबसे छोटा 15 मिला था, लेकिन उससे छोटा है 11.6। तो मिनिमम थिकनेस आपके पूरे स्ट्रक्चर में है जो बोल्ट के रास्ते में आ रहे हैं। तो 11.6 आपका टी है थिकनेस मिनिमम, तो 11.6 की जगह पर हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली 12 रख सकते हैं, राउंड ऑफ करके 12 रख देंगे। एफ यू क्या होता है? फॉर Fe410, FU इक्वल्स टू 410। फॉर स्टील ग्रेड Fe410, FU होता है 410। और गामा एम बी होता है 1.25, इसको सॉल्व करो आपको VDPB मिल जाएगा, आता है 236160, 236160 आंसर आएगा न्यूटन में। हमको चाहिए किलो न्यूटन में, एक दो तीन पॉइंट किसका देंगे, जिसका मतलब होगा 236.16 किलो न्यूटन, ठीक है। हमको चाहिए बोल्ट वैल्यू, बोल्ट वैल्यू को मैं सीधा सीधा BV लिख रहा हूँ, ठीक है। बोल्ट वैल्यू क्या होता है? मिनिमम ऑफ VDPB एंड मिनिमम ऑफ VDSB। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है? ये तो 236 है और ये है 65, तो छोटा कौन सा है? 65 छोटा है, जो कि VDSB। तो बोल्ट वैल्यू कितना है? 65.19, तो बोल्ट वैल्यू है 65.19 किलो न्यूटन। कि अभी हमको नंबर ऑफ बोल्ट्स कैलकुलेट करना है, N इक्वल्स टू 0.50 इंटू फैक्टर्ड लोड अपॉन बोल्ट वैल्यू। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया?
एन इक्वल्स टू 0.50 इंटू फैक्टर लोड अपॉन बोल्ट वैल्यू। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला तो कहीं पर इस तरीके का जिक्र नहीं किया है। मैंने आपको कॉलम बेस के डिजाइनिंग के समय एक चीज बताया था, अगर आपको याद होगा, कि जब आपका लोड एक्चुअल लोड पड़ता है गसेटेड बेस में तो 50% ट्रांसफर होता है, डायरेक्टली ट्रांसफर होता है कॉलम से बेस प्लेट में 50%, और 50% ही लोड ट्रांसफर होता है थ्रू द बेस प्लेट। अगर आपको याद आ रहा है तो मैंने आपको डिजाइनिंग ऑफ कॉलम बेस में ये चीज बताया था कि आपका जो लोड होता है वो 50% कॉलम के थ्रू जाता है और 50% जाता है बेस प्लेट के थ्रू। तो बेस प्लेट, यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ बोल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ बोल्ट लगेंगे, तो यहाँ से सिर्फ 50% ही लोड गुजरने वाला है। 50% ऑफ द लोड गुजरेगा आपके बोल्टेड कनेक्शन से, 50% लोड गुजरेगा, इसलिए 0.50 इंटू पी। नंबर ऑफ बोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टर लोड अपॉन बोल्ट वैल्यू, ये आपका नंबर ऑफ बोल्ट का फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर हमको 50% लोड लेना पड़ेगा, 50% पी लेना पड़ेगा, क्योंकि बोल्टेड कनेक्शन से सिर्फ 50% ही लोड गुजर रहा है। तो एन के फॉर्मूला में रख दो 0.50 इंटू फैक्टर्ड लोड। फैक्टर्ड लोड कितना है? देखो क्वेश्चन में हमको फैक्टर्ड लोड गिवन है। फैक्टर्ड लोड अभी हम लोग किलो न्यूटन में रखेंगे कि न्यूटन में रखेंगे? तो फैक्टर्ड लोड अभी हम लोग किलो न्यूटन में रखेंगे, 1800। अब क्यों किलो न्यूटन में रखेंगे? क्योंकि जो हमारी बोल्ट वैल्यू है, बोल्ट वैल्यू भी किलो न्यूटन में है, ठीक है। यहाँ पर हमको बोल्ट वैल्यू रखना है तो पी भी हमारा किलो न्यूटन में होना चाहिए, दोनों यूनिट सेम होने चाहिए, क्योंकि 1800 यहाँ पर 10^3 से मल्टीप्लाई मत कर देना, 10^3 से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये न्यूटन में हो जाएगा। तो आपको न्यूटन में नहीं रखना है, किलो न्यूटन में रखना है, क्योंकि बोल्ट वैल्यू किलो न्यूटन में है तो दोनों यूनिट सेम होने चाहिए। तो बोल्ट वैल्यू कितना है? 65.19। तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ बोल्ट्स मिल जाएंगे, तो नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालो। नंबर ऑफ बोल्ट्स इक्वल्स टू 13.8, लेकिन आप इस तरीके से नहीं रखोगे, नंबर ऑफ बोल्ट्स को आपको इस तरीके से रखना है। देखो आपको प्रोवाइड कैसे करना है, ध्यान से देखो। देखो बोल्ट आपको इस तरीके से प्रोवाइड करने हैं, दो रो में, तो दो रो में प्रोवाइड करने हैं ना, तो फिर एक रो में इवन नंबर्स में रख देना। यहाँ पर देखो एक रो में आपकी बोल्ट वैल्यू इवन नंबर में रहने दो। देखो यहाँ से 13.8 है, इसको अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो वो 14 हो जाएगा। 14 मतलब दो रो में 14, इसका मतलब एक रो में कितना होगा? एक रो में 7, तो 7 नहीं होनी चाहिए। आपका जो बोल्ट है उसको इवन नंबर में रखने की कोशिश करो, तो इवन नंबर में रखेंगे तो 8 बोल्ट हम लोग एक रो में रखेंगे, तो रो का कितना हो जाएगा? 16 बोल्ट्स, ठीक है। यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ बोल्ट्स इक्वल्स टू 16 बोल्ट्स करेंगे। नंबर ऑफ बोल्ट्स जो मिलता है वो दो रो को मिला के कितना है वो मिलता है आपको, तो दो रो को मिला के आपको ये आंसर आया 13.8, तो यहाँ से राउंड ऑफ करेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 मतलब एक रो में कितना होगा? 7, तो आपको एक रो में इवन नंबर्स में बोल्ट रखने की कोशिश करनी है, तो वहां पर हम लोग इवन नंबर में रखेंगे तो एक रो में कितना हो जाएगा? 8, तो एक रो में 8 मतलब दो रो में कितना? 16, तो यहाँ से हम लोग राउंड ऑफ करके इसको 14 नहीं करेंगे, राउंड ऑफ करके हम लोग इसको 16 मानेंगे, तो ये 16 बोल्ट्स हो गए। अब ये दो रो को मिला के 16 बोल्ट है। अब देखो एक स्टेटमेंट आपको इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिखना है, प्रोवाइड 8 बोल्ट्स ऑफ 24 mm डायमीटर ऑन ईच फ्लैंज इन टू रोज। 8 बोल्ट लगाने हैं दो रो में फ्लैंज को। देखो यहाँ पर आपको 8 बोल्ट लगाने हैं, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर जैसे 4 बोल्ट है वैसे आपको 8 बोल्ट लगाने हैं दो रो में फ्लैंज को कनेक्ट करने के लिए। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, प्रोवाइड 8 बोल्ट्स ऑफ 24 mm डायमीटर टू कनेक्ट बेस प्लेट एंड गसेट एंगल इन वन रो। देखो सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, बेस प्लेट एंड गसेट एंगल को कनेक्ट करने के लिए एक रो में 8 बोल्ट लगाने हैं, ठीक है। ये हो गया आपका बोल्टेड कनेक्शन डिजाइन। लास्ट में आपको ये स्टेटमेंट इस तरीके से लिखना है, दो रो को मिला के कितना नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ पर मिलता है। तो एक रो में कितना चाहिए, एक रो में इवन नंबर में रखने की कोशिश करो, तो यहाँ पर हमने 8 बोल्ट रखे हैं एक रो में। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।